हेलो सेकंड क्लास, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका हिंदी व्याकरण का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक। बच्चों, हिंदी व्याकरण में आप पेज नंबर 21 पर आइए। बच्चों, पेज नंबर 21 पर है आपका चैप्टर 4, शब्द और वाक्य। बच्चों, शब्द जैसे यहाँ पे ले मैं के लमक दिया हुआ है, बच्चों ये गलत वाक्य दिया हुआ है। ते से अन रे आ तसरा, ये कुछ नहीं होता है बच्चों, ये गलत दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे है, क्या इन शब्दों का कोई अर्थ है? बच्चों, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये गलत हैं। नहीं, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इसमें वर्ण सही क्रम पर नहीं लिखे हुए हैं। ऐसे ही जैसे ये लमक है कलम, तो कलम इसका सही रूप है। ऐसे ही तंसरा, तो तंसरे का सही रूप क्या है? संतरा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही ले ये के ओ, तो इसका क्या रूप है सही? कोयल। ऐसे ही बच्चों डी झोप, तो इसका सही रूप क्या है? झोपड़ी। आपने देखा कि वर्णों के सही क्रम में रखने से इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अतः ये शब्द हैं। अनेक वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बच्चों, पेज नंबर 22 पर आइए। पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है आपके वाक्य, तितली फूल पर बैठी है, घोड़ा घास खाता है, सूरज प्रातः निकलता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्द सही क्रम में है, अतः प्रत्येक वाक्य का अर्थ स्पष्ट है। अब इन वाक्यों को पुनः देखिए। तितली है पर बैठी फूल, खाता है घोड़ा घास, प्रातः सूरज है निकलता। इन सभी वाक्यों का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इनमें शब्दों का सही क्रम नहीं है, अतः शब्दों के सार्थक क्रम से वाक्य बनते हैं। सार्थक वाक्य से ही भाषा का निर्माण होता है। तो आया बच्चों आपको चैप्टर समझ? अब बच्चों, ये नेक्स्ट पेज पर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपको बुक में ही फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं और ये आपको चैप्टर लर्न भी करना है बच्चों। तो बच्चों, आया आपको समझ? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।